problems in one dimensional motion. ठीक है भैया, रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम्स इन यार मैंने प्रॉब्लम्स का बोला था ना, रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम्स इन वन डायमेंशन। देखो भाई, रिलेटिव वेलोसिटी का होता है समझते हैं, कैसे कुछ आइडिया रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ की बात हो रही है, कुछ किसी को थोड़ा बहुत आइडिया रिलेटिव वेलोसिटी का, अनुष्का का आइडिया स्कूल वाले उसको अगर दिखता है। चलो तो देखो एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेता है, समझते कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। देखो पहली बात तो ये 1D में भी आएगा समझे, और ये 2D में भी आएगा। 2D इसके बाद शुरू होगा पार्ट 2, दैट इज काइनेटिक्स पार्ट 2। ठीक है, काइनेटिक्स बहुत बेटा भी पता नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ते रहो। ठीक है, देखो भाई, ठीक है, ये कार है ना, दिस कार ए मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर, समझते हैं। ठीक है, यू आर एन ऑब्जर्वर और आप ग्राउंड पे खड़े हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इस कार की स्पीड कितनी है तो आप क्या सकते हैं? 60 है ना, अभी चेंज कर जाएगी है ना। सर क्या क्या है, 60 बिल्कुल 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 बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी बात और चलो, ऑब्जर्वर नहीं है आप, एक दूसरी कार में। ठीक है, एंड दिस कार इज ऑल्सो मूविंग विद सेम स्पीड, कार भी सेम स्पीड, आप यहां विंडो में बैठे हो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि कार ए की वेलोसिटी आपको कितनी दिख रही है, क्या समझ गया? 0 है ना भाई, आपके साथ चल रही ना, बिल्कुल सब जा सकते हैं 0 पे। ठीक है, 0 आंसर आ गया। ठीक है, सब सही आंसर दिया बिल्कुल, भाई आपके साथ ही चल रही है तो आपको क्या लगेगा, इस कार इज एट रेस्ट 0। ठीक है, तो ये बंदा और सोचो एक सीन और लेते हैं, थर्ड सीन वहां पे क्या है, आपकी कार इसके अपोजिट जा रही है, जस्ट अपोजिट विद द सेम स्पीड वे द 60 किलोमीटर। अब लगता है काफी बच्चे मुझे अभी भी आंसर दे सकते हैं, जैसे आप थोड़ा सा फील करिए, फिलिंग से खोल जाओ कि भाई क्वेश्चन आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चन आंसर दे दिया, आप लोग बताओ आप कितनी नजर आएगी इसकी, करण बोलो, देखो ऑनलाइन सारे क्वेश्चन आंसर दे दिया, नहीं 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 अब तो बहुत ऐसा लगे, बहुत तेजी से गाड़ी निकल गई, बटा यस 120 ट्वाइस आई डोंट नो से बोलो 120 ऐसा, देखो कार में से 360 की, ठीक है बिल्कुल 120। ठीक है, सिक्सटी से आ रहा है, 60 से आ रहा है, 120 है ना, मतलब अगर आप दोनों 120 क्यों मतलब, अगर आप दोनों एक पॉइंट पर चलना शुरू करें आफ्टर 1 आवर यू विल बी 60 किलोमीटर में, ये वाली कार 60 किलोमीटर में, व्हाट विल बी रिलेटिव सफिशिएंट 120 समझ गया, इसलिए 120 होगा। ठीक, क्लियर ना, तो अब उस कार की एक्चुअल स्पीड कितनी है, 60 पक्का, मतलब इस कार की स्पीड कितनी है, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, नहीं आ रही शान, अगर तुम अभी अर्थ से बाहर चले हो तो क्या होगा, अच्छा अर्थ की स्पीड कितनी है, अर्थ घूम रही है ऐसे ऑर्बिट में बहुत तेजी से है, तो एक्चुअली हम लोग भी मूविंग है, पता है अभी हम लोग भी मूविंग है अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर पर, जो अर्थ की स्पीड है जो सन के अराउंड ऑर्बिट में, आई एम नॉट श्योर बट इट्स अराउंड 20 किलोमीटर पर के आसपास स्पीड है, तो अभी हम लोग भाग रहे कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, अभी हमारी स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, अभी हमको कितना चला ना, मतलब विद इन 9 सेकंड्स हम दो में दिल्ली पहुंच गए,
स्पेस में जो लोग भाग रहे सारी सारी दुनिया में बिल्कुल हो गया 20 मीटर क्लास भाग है। ये किसको पता चलेगा, पता है किसको पता चलेगा? जब कोई अर्थ के बाहर जाके नहीं जाएगा तो ऊपर बहुत ऊपर वहां से आके आपको देखेगा उसको अर्थ ऐसे घूमती नजर आएगी कितनी स्पीड से 20 किलोमीटर पर सेकेंड। मैंने वहां हो गया 20 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ हो गई। समझ गया ना? एक्चुअली मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि किसी की वेलोसिटी फिक्स नहीं होती है। ये किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वर कहां पे है। समझे ना? वही मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी आपको दिख रही है ना वो आपके लिए है, नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, अगर आप अपोजिट चल रहे हो, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो 120, सेम में चल रहे हो 0, आप ग्राउंड पे पड़ेगा 60 वोल्ट है और जो बंदा आपके बाहर होगा वो उसको कुछ और बताएगा। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था कि तुम्हारी वेलोसिटी होगी ना ये इस पर डिपेंड करती है। किसी भी चीज की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी नोट करिए, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक डिपेंड्स ना ट्वाइस क्या अगर वो 90 से आ रहा हो तो इट विल बी डिफरेंट। अभी स्टेटमेंट लिखा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर और पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर और पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी दो बार आएगी आपको 1D में, 2D में भी आएगी। किस पर फोकस कर रहे हैं? 1D। 1D मतलब कि जहां पे कैसे मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिस्टमेटिक में समझते हैं। अभी आपने क्या बोला, एक आंसर आपके पास 60, एक आपने बोला 0 और एक आपने क्या बोला 120। ठीक है, अब इसको फिजिक्स की लैंग्वेज समझते हैं कि वो क्या है। देखो भाई, होता क्या है, अगर आप 1D बात करो, मैं ये x इज बिलो 0 हो गया। ठीक है, ये आपकी पोजीशन है, आपकी कितनी x है, आप x से करो दिस पार्टिकल की। ठीक है, और यहां पे पार्टिकल दिस पोजीशन भी यहां पे है, ये x की है। ठीक है, तो ये बताओ ये बंदा a पे है उसको b की पोजीशन क्या नजर आएगी बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए को क्या लगता है कि कितना आगे है, कितना आगे है, एक्स बी माइनस एक्स। बिल्कुल सबको देख रहा हूं, एक वेक्टर है वैक्टर, करंट बहुत भारी वेक्टर नहीं है इसमें, थोड़ा सा है वो हम अंडर वर्ल्ड में कर दूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज नहीं है नॉर्मल। ठीक है, एक्स बी माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे लेते हैं, वैसे इसको ऐसे लेते हैं एक्स बी ऑब्लिक ए। इसका क्या मतलब है, एक्स बी ऑब्लिक ए का क्या मतलब है, पोजीशन ऑफ बी। बिल्कुल बच्चों वाली बात, ये सबको पता है यार, जितना आप खड़े हो उससे कितना आगे हो, बिल्कुल डिस्टेंस देख के बता सकते हो एक्स बी माइनस एक्स। ठीक है, अब सोचो ये बंदा चलना शुरू कर रहे हैं और मतलब ये दोनों चलना शुरू कर रहे हैं तो दोनों वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको दोनों साइड अगर ये बंदा भी मूव कर रहा है, अभी आपको बोला ना कि जो बी की वेलोसिटी है वो सबको अलग अलग नजर आएगी, आप कुछ और नजर आएगी, इसको कुछ और नजर आएगी, कोई अपोजिट आ रहा है कुछ और नजर आएगी। अभी हम किससे कंसर्न है, अभी हम किससे कंसर्न है, इसको क्या दिखता है, इसको देखो क्या दिखेगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट मारूं या सिंपल वे में बोलूं, अगर मैं इसको टाइम में डिवाइड करूं तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ जब आप इसको डिफरेंशिएट मारोगे पोजीशन को क्या मिलेगा, उसको जब पोजीशन को डिफरेंशिएट मारोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, लिखे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ऐसा लिखने के बाद यू विल राइट बी ऑफ बी। देखो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट है न्यूटन के नियम का पता है, ये ऐसे कॉलम हम 7-8 क्लास में करते थे, ऐसी कॉलम्स हम 7-8 क्लास में करते थे मैथ्स में, जो एक्सप्लेन आ रही है क्रॉस करे से क्रॉस करे ये कॉलम टेक कर रही है, अब उन्हीं कॉलम्स को हम रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे। ये बताओ एक्स की मैंने से सब कुछ हमने आया क्यों किया था, सुधा क्लियर है, चार्जी का क्लियर है। ठीक है, चलो
जैसा क्लियर आपको कि व्हाट इज एक्सट्रीम एंड एक्सेप्टेबल, ये सब कहानी ठीक है। मैं इसको डिफरेंशिएट कर दिया, बस पोजीशन एंड वेलोसिटी आ गई, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो समझ लेना, अगर आप रिलेटिव पोजीशन, जो हमारे रिस्पेक्ट में किसी की पोजीशन है उसका रेट ऑफ चेंज पता करो तो वो क्या है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। अभी लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव बी की ऑब्लिक है, क्या कर रहा हूं बड़ा है, बी ऑब्लिक ए बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, देखिए आप वी बी ऑब्लिक ए का मतलब क्या हुआ, वी बी ऑब्लिक ए को क्या बोलते हैं, बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ क्या, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर उसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए। अगर आप ए की पोजीशन पे हैं तो आपको इसकी स्पीड क्या लिखनी है, वेलोसिटी एज सीन फ्रॉम ए, या स्क्वाड एक्सीलरेटर में क्या कह सकते हैं, स्क्वाड एक्सीलरेटर में कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किसकी पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट कैसे चेंज करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बी ऑफ गेम, और इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इजी टॉपिक है। प्रॉब्लम जो आपने कई प्रॉब्लम की थी ना, बड़ी इजी हो जाती है इससे, रिलेटिव लॉसेस से आपको याद, मैंने कॉल कराई थी वो एक कार उसको ओवरटेक कर रही है, मैं बताऊँ वो इंपैक्ट ना होने पाए, वो कब उसको ओवरटेक करेगी, आप बच्चे बोल रहे थे समझ में नहीं आया, वो यहां से आपको चले गई। ठीक है, बस समझा गया, तो अब ये समझो भाई, अब मैं आपसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो शायद आपने 7-8 क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए हैं और देखते हैं समझते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझते हैं, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने ये देखा कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब होता है कि अगर आप बी की वेलोसिटी से ए की वेलोसिटी को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस कार ए मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर, दिस कार सी मूविंग विद 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बस ये तीन है, ए बी एंड सी, आपको बहुत सारे आंसर देने हैं, बी ऑफ डी के मुझे तय कर, आपको समझ आ गया होगा, तो जैसे मैं लिखूंगा आप आंसर दे देंगे इसको, वी सी ऑफ डी के ए ऑफ डी सी। मैं एक कर दूं, ये मैं पार्ट करता हूं, क्या कर सकता हूं, पहला बताओ आपको बी ऑफ डी का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब है, और मतलब बिल्कुल सिंपल में बोलूं कि बी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखो बिल्कुल बी ऑब्लिक और इसे घबराना नहीं, आपको आसान सी बात है, बी ऑब्लिक का सीधा सा मतलब हुआ कि बी को ऑब्जर्व कर रहा है कौन, ए। ठीक है, हाउ टू फाइंड बी ऑब्लिक, वो काफी आंसर मेरे पास सही है, आगे मैदान का भी आंसर सही है, शास्त्र भी सही है। ठीक है, देखते हैं कि बी ऑफ बी ए का मतलब हो गया बी बी और माइनस बी ए, बताओ बी बी कितना है, सारे बच्चों में बोले कितना बी 60 रेडर बी बी को माइनस 60 मेरे तो आपने आप गौर कर सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा, कर सकते हो ना, क्यों किया होगा, मैंने इसको निगेटिव मान लिया, मैं इसको पॉजिटिव मान सकता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है, कुछ भी मान सकते हैं कि डायरेक्शन, मैंने ये ऐसे बोला कि दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, तो दिस माइनस 68 माइनस व्हाट इज बी, बी कितना है पॉजिटिव, तो कितना आ गया दिस माइनस, तो यहां का 120 क्या सकता है, अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया उसको नेगेटिव,
इसका मतलब क्या होगा बताओ, ये माइनस 120 का मतलब क्या होगा कि ए वाला बंदा अगर बी वाली कार को देखेगा ना, उसको लगेगा कि वाली कार किधर जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत वेलोसिटी 120, ये मतलब होगा इसका। और ये सब आपने 7th ग्रेड में पढ़े ऐसे क्वेश्चन याद आ रहे कुछ क्वेश्चन, हालांकि हम बिल्कुल एग्जैक्टली वहां रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बोलते थे, बट ऐसे क्वेश्चन वहां पे बोलते थे कि वो इतना टाइम बाद कितना सेपरेशन उसमें होगा, तो उसमें वेलोसिटी ऐड कर देते, ठीक है। चलो अब आप सारे बच्चे समझ गए होंगे, चलो मैं सी ऑफ बी की बात करता हूं, सी ऑफ बी को क्या लिखेंगे बोलो, ठीक है, यस बी सी माइनस बी बी, टॉपिक ग्रेजुअली टफ हो जाता है, अभी आपको लग रहा होगा कि सब क्या करा रहे हैं, सब कर सकते हैं, बट सारी बातों पर धन्यवाद, इतनी बात में बोल रहा हूं, ठीक है। दिस बी सी माइनस बी बी, वॉट इज बी सी, बी सी कितना 120, दिस प्लस 120 माइनस बी बी कितना है माइनस 60, दिस माइनस 60 समझे, क्या आंसर आएगा वो 180 होना भी चाहिए। कौन कुछ तो देखा बताओ, जो बंदा बी वाली कार में बैठा वो सी को देखा था, खुद फील हो रहा है 120 तो जाहिर है, आप जा रहे हो 60 से, आपको क्या लगेगा कि वो आपके रिस्पेक्ट कितना जा रहा है 180 से, 120 नॉर्मल चलेगा, 60 आप चलेगा 180, एंड देन भी है लास्ट वन भी ए ऑफ बी सी, कितना ए ऑफ बी सी का बी ऑफ बी सी का मतलब ए को देखा जा रहा है, कौन देख रहा है, सी देख रहा है, सी की स्पीड कितनी है 120, कितना गया माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया पीछे, माइनस का पीछे हो गया, तो अगर आप सी वाली कार में बैठे हो और आप ए वाले को देखो तो आपको क्या लगेगा, भाई आपको 120 से जा रहा है, आपको 120 से भाग रहा है स्पीड, वो पीछे वाली कार 60 से आ रही है, आपको लगेगा वो 60 से क्या हो जाते हैं पीछे आ रही है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, शायद होता है बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, एक आध को सकता है स्किप हो गया हो, ये सब हमने प्रॉब्लम्स कर रखी है, ठीक है। अब इसी में 2D आ जाएगा, 2D में क्या होगा पता है, एक कार इधर जा रही होगी और एक कार इधर जा रही होगी, इधर 90 है 60 है, फिर हमें वहां निकालना पड़ेगा, तो आपको 1D समझ में आएगा, 2D भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई अब हमें देखना है कि हाउ टू यूज दिस कॉन्सेप्ट इन काइनेमेटिक्स, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कहां में लगता है पता है, ये कॉन्सेप्ट लगता है जब आप कोई ऐसी प्रॉब्लम करते हो जहां पे दो व्हीकल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं या फिर ओवरटेक कर रहे हैं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा अभी मैं बोला कि मैं पहले से और क्लियर है, बट अभी आप उसको रिलेटेड लॉस को, ठीक है, और जो मैं बातें बोल रहा हूं ध्यान देगा, ये ट्रेन अच्छा एक बात फाइनल कर लीजिए, क्या इफ टू कार्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन their relative velocity will be equal minus b, and if they are traveling in opposite direction their relative velocity will be plus b, plus b 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 plus b, हमें ये देखना था इस पॉइंट को यूज करना है, if two cars are traveling in the same direction then relative velocity is equal to v1 minus b, and if they are traveling in opposite direction then relative velocity will be v1 plus v2. ठीक है, v1 minus v2 and v1 plus v2. देखो भाई, अरे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कि मेरे पास ट्रेन है, स्पिन है, एल1 देख रहा। आंसर तो आप सभी बच्चे दे दोगे, ठीक है, अपने तरीके से, और जब ये बात बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देना, मैं कर गया, क्रॉस कर रही है, ये L2 हो गया और इसकी स्पीड भी है, वेलोसिटी भी है, इसकी वेलोसिटी भी, ठीक है। आप सोचो आप यहां पे बैठे हो और आप दूसरी गाड़ी ट्रेन को ऑफ करते हो, मुझे ओवरटेक करने का टाइम निकल रहा है, आप सबको आंसर भी याद होगा, याद आ रहा है ऐसे क्वेश्चन किए मैंने क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा,
इस बार मतलब बड़ा चलो दस सुनो दस अंदाज लगाओ आपको देखो समझो अब बिल्कुल सही निशान बड़ा बी टू प्लस भी बनाएगा देखो ये दो ब्रेक हुए ठीक है तो अब जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे सारे बच्चे सुने बिल्कुल सही एकदम तो आप अपने आप को एक जो भी कार है ट्रेन से बैठ जाओगे किस पे बैठ गया आप पहले वाले पे बैठ सकते हो और आप दूसरे को ऑब्जर्व करोगे ठीक है तो जब आप खुद को देखोगे तो आप अपने अपने रिस्पेक्ट में क्या हो रेस्ट पे हो या नहीं हो अगर मैं भी हूं यहां पे मैं किसी कार में बैठा हूं तो मुझसे कहता भाई तुम्हारी पोजीशन क्या है मैं बोलूंगा मैं तो रेस्ट पे हूं अपने लिए ठीक है तुम्हारे लिए मैं कार में बैठा जा रहा हूं बट अगर मैं किसी कार में बैठा हूं ट्रेन में बैठा हूं तो मेरी पोजीशन के रेस्पेक्ट में क्या होगी मैं तो रेस्ट पे बोलूंगा मैं तो रुका हूं मैं थोड़ा ना अलग हो गया अपने आप से मैं तो साथ ही मेरी पोजीशन रेस्ट होगी तो अब मैं इस ट्रेन में बैठा हूं ड्राइवर हूं ठीक है मैं इस ट्रेन को देख रहा हूं ठीक है मैं बोलूंगा देखो ये कैसा डिस्क्राइब करेगा वही मेन पॉइंट है ना ये क्या डिस्क्राइब करेगा मैं रेस्ट पे हूं हर बंदे को जो अपनी पोजीशन होती है वो क्या लगती है क्या मैं रेस्ट और वो बोलेगा कि ये ट्रेन मेरी तरफ भागती हुई आ रही है एंड ट्रेन सेकेंड ट्रेन दिस ट्रेन बी बोल देता है दिस ट्रेन बी इज मूविंग टुवर्ड्स मी With a speed of what? With speed V1 plus B. तुम्हें लगता है ये बात सबको समझ में आ गई ठीक है ऐसे में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो अगर कहां पे बैठ जाएंगे एक कार में बैठ जाएंगे और अपने आप को क्या मान लेंगे मैं रेस्ट पे और कौन चल रहा है सिर्फ वो चल रहा है ये अप्रोच होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की ध्यान रखना कि आई एम एट रेस्ट मैं रुका हूं ठीक है और बाकी सारी चीजें क्या करनी है ठीक है तो भाई क्या बोलूंगा मैं चल रही ना सिर्फ ये ट्रेन चल रही है कितनी स्पीड से ये चल रही है V1 प्लस स्पीड से और ये बात तो सभी को पता है कि ओवरटेक करने में या क्रॉस करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है दोनों का सम होता है सबको पता है कि अगर एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस कर रही है तो वो दूसरे की लेंथ भी चलेगी और अपनी लेंथ भी चलेगी ठीक है ये बात सबको पता होगी चाहिए आंसर था क्या है मैं बोलूंगा कि देखो मैं रेस्ट पे हूं सारा काम किसने किया है दूसरी ट्रेन ने किया है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और कितनी स्पीड से बस मैं ये आंसर दे दूंगा और अगर मैं नेगेटिव लॉसेस नहीं करता इसको नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते हैं तो मैं क्या बोलूंगा सुनो मैं क्या बोलूंगा इसने चला V1T नहीं इसने चला कितना V1T और इसने V2T और जो दोनों का सम होगा दैट विल बी अदर प्लस आई आप उदाहरण का आंसर सही था आई नो आपको सही था अगर आप मेरी प्रोसेस नहीं स्पेंड करना चाहते हो तो क्या करोगे आप बोलोगे देखिए सारे बच्चे देखें कि V1T इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ट्रेन एंड V2T इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड ट्रेन एंड देयर सम शुड बी इक्वल टू व्हाट देयर सम ऑफ लेंथ है L1 प्लस L2 तो हम इसको ऐसे बोलेंगे आंसर तो सेम आना है ठीक है बड़ा आप अप्रोच देखो तो आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है आपने बात समझ लो मुझे बताइए कितना लेंगे आप L1 प्लस L2 अपॉन रिलेटिव स्पीड एंड दैट इज V2 माइनस V1 ठीक है अब धीरे धीरे इसमें एक्सेलरेशन भी आएगा थोड़ा थोड़ा कहानी चेंज होने लगेगी तेजी से निकल जाए तो आप उसको क्या बोलोगे आई नॉर्मल बात बताओ आप अपनी एक्टिवा 40 में ड्राइव कर रहे हो एक कार 120 से निकल गई तो आपको उसकी स्पीड कितनी लगेगी निशान पर नहीं आप 40 से जा रहे हो इन द सेम डायरेक्शन एक कार आप ओवरटेक करती विद स्पीड ऑफ 120 भाई 80 बोलोगे ना यार 120 ना 40 जस्ट कैन फील इट यार देखो हमने कहा नहीं डोंट गो बाय द थ्योरी है थोड़ा फील भी हो यार कि आप एक घंटे में 40 चलोगे वो एक घंटे में कितना चलेगा 120 चलेगा आपसे कितना आगे चला वो 80 किलोमीटर ठीक है ऐसा नहीं है साइंस में देखना है सर यू जस्ट कैन फील इट है ना वर्डिंग को समझना आसान होता है कि 7-8 के बच्चे भी सकते हैं सबसे पहले है ना
एक बार ये प्रॉब्लम आप ढंग से समझना, ये प्रॉब्लम पहले भी डिस्कस करना है ना, अब इसको रिलेटिव लॉस से समझना है। समझा दो मैं क्या प्रॉब्लम है, ये कार है कितनी स्पीड से आ रही है, U2 से। आपकी कार कितनी स्पीड से आ रही है, U1, एंड U1 इज ग्रेटर देन U2, ठीक है। और अचानक से आपको कार दिखी थोड़ा सा आ गया आपसे, कुछ 5-6 फीट आ गए, तो आप क्या करोगे बोलो, आप ब्रेक मारोगे इससे बचने के लिए, है ना। तो मतलब कोलिजन होने वाला है, सेपरेशन इज डी स्मॉल सेपरेशन, बहुत ज़्यादा सेपरेशन नहीं, कुछ 2-4-5 फीट की डिस्टेंस है, और अचानक से आपको सामने कार दिख गई, तो आप क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी, लिखिए आप स्टेटमेंट लिखिए, व्हाट शुड बी मिनिमम रिटार्डेशन, व्हाट शुड बी मिनिमम रिटार्डेशन टू अवॉइड कोलिजन। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, तो वो एक लाइन में आंसर आएगा, नहीं जा रहे कैन नॉट इंक्रीज योर स्पीड, बेटा गली में जा रहे हो आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो, आपको ब्रेक लगा के बचना है। चार्वी करी सर मैं साइड में मार के ओवरटेक करके निकल जाऊंगी, ऐसा नहीं है, एक गली है, गली में आप लेफ्ट राइट नहीं ले सकते, आपको ब्रेक मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट शुड बी मिनिमम रिटार्डेशन टू अवॉइड कोलिजन, ठीक है। तो देखो भाई ये क्वेश्चन मैंने कुछ क्लास पहले भी डिस्कस किया था, है ना, और बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी, दो इक्वेशंस बनी थी उसमें सॉल्व नहीं हो रहा था, और मैंने शायद सॉल्व करवाया भी नहीं था, मैंने कहा था घर पे कर लेना, हुआ नहीं था। चलो अब देखो व्हाट शुड बी मिनिमम रिटार्डेशन टू अवॉइड कोलिजन, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब सोचो ये रिटार्ड करेगा, है ना, कौन, पीछे वाला, हाँ बिल्कुल होगा ऐसा ना, क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, क्वेश्चन एंगेज में होंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन आपको मिलने के लिए वहाँ पे, ठीक है। देखो अब सोचो कि मैं इसमें बैठा हूँ अगली कार में, ठीक, और मैं इसको देख रहा हूँ, सारी बातें ध्यान सुनना, सारे आंसर आपको देने हैं, ठीक है। तो ये बताओ मुझे लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ, लगेगा ना, मुझे लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी नजर आएगी मुझे बताओ, U1 - U2, क्या सबको समझ में आ रहा है भाई, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। मैं इस कार में बैठा हूँ, इस कार में बैठ के मैं इस कार को देख रहा हूँ, तो मुझे लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ और पीछे वाली कार मेरी तरफ आ रही है U1 - U2 से। लिख लो भाई इस बात को, आप बाद में नोट्स पढ़ोगे आप भूल जाओगे। तो लिखिए स्पीड ऑफ कार 1 विद रिस्पेक्ट टू कार 2। तो मैं क्वेश्चन को कहाँ सॉल्व करूँ भाई, सुनो मैं क्वेश्चन कहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इस कार में बैठ के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, समझे आप सभी हो, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राउंड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और किसी भी कार में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। मैं किस कार में बैठा हूँ, मैं आगे वाली कार में बैठा हूँ, ठीक है। तो देखो मुझे क्या स्पीड होगा पता है, तो मुझे लगेगा कि स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार वन, दिस कार वन विद रिस्पेक्ट टू कार टू इज इक्वल टू U1 - U2। मुझे तो बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना, और उसको खुद को क्या लगे कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं रेस्ट पे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये इसको मतलब हिट करने वाला होगा तो ये कार कहीं आगे चली गई होगी कुछ 2-4-5 मीटर, है ना, ये कार उसके पीछे से आई होगी, ठीक है। लेकिन हाँ यार अर्नो, अभी मैंने बताया ना, जब कोई अपने आप को देखता है तो वो रेस्ट पे होता है भाई। अगर मैं दौड़ भी रहा हूँ ना, कोई मुझसे पूछेगा कि भाई तुम्हारी पोजीशन क्या है, तो मैं बोलूँगा मैं तो रेस्ट पे हूँ अपने लिए। तो जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में होते हो और खुद को ऑब्जर्व करते हो तो आप अपने आप को रेस्ट पे मानते हो, समझे, ये हमेशा कॉन्सेप्ट लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी में कि आपको लगे मैं रेस्ट पे हूँ बाकी सब कुछ चल रहा है। जैसे मैं इधर गया ना, मैं इधर जा रहा हूँ, मुझसे पूछोगे कि मेरी वेलोसिटी क्या है अपने रिस्पेक्ट में, बोलो मैं तो रुका हुआ हूँ, ये बोर्ड पीछे जा रहा है, कैमरा पीछे जा रहा है, ये एक्सप्लेन करूँगा मैं अपने रिस्पेक्ट में, बोलूँगा कि मैं रुका हुआ हूँ, ये बोर्ड पीछे जा रहा है, कैमरा पीछे जा रहा है, यही कहानी चलती है यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ पीछे जा रहा है, सिर्फ मैं रुका हुआ हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब को रेस्ट कर लिया, ठीक है।
अच्छा ये बताओ, जब ये कार आके इसको हिट करेगी, सारे बच्चों को आंसर देना है, तो ये वाली कार इसके रिस्पेक्ट में कितना चल के आएगी? डी या डी से ज़्यादा? डी नहीं, डी के बराबर ही आएगी ना। अच्छा ये कार आगे चली गई, ठीक है। नहीं बेटा डी, बिल्कुल डी। ये कार भी कहाँ गई? आगे गई। इसके रिस्पेक्ट में ये कितना एक्स्ट्रा चली बताओ? ओनली डी। सोच लो भाई ये स्टेटमेंट, सोच लो आराम से। मैंने क्या पूछा है, इस कार के रिस्पेक्ट में ये कितना चलेगा? देखो ये आगे गई, मान लो ये 10 मीटर आगे चली गई, ये इसको जाके पकड़ेगी, है ना? तो इसके रिस्पेक्ट में इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? चलो आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं ऐसे बता दूं। देखो ये कार ए है, ये कार बी है, ठीक है, फाइनल दोनों मिल गए, ठीक है। तो जो इनिशियल सेपरेशन था वो खत्म हो गया। इनके बीच में कितना सेपरेशन था पहले? पहले डी था, बाद में उससे सेपरेशन कितना हो गया? जीरो। भाई बाद में दोनों एक जगह आ गए ना। सारे बच्चे बताएं उनको ये बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है कि फाइनली जब दोनों कार मिलेंगी तो ये वाली कार इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इससे कितना एक्स्ट्रा चलेगी? सिर्फ डी एक्स्ट्रा चलेगी। चलो एलिजा को समझ में आ गया प्रथम को, आपको क्लियर हो गया ना कशिश, कि उससे जितना एक्स्ट्रा चलेगी उसके रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव। तो लिखो आप, चलो ये इसको बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लो, नोट भी करना है, बाद में नोट भी पढ़ने। लिखिए आप कि व्हेन कार वन इज अबाउट टू कोलाइड विद द कार टू, हाँ, व्हेन कार वन इज अबाउट टू कोलाइड विद द कार टू, इट विल ट्रेवल डी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, एंड इट विल मूव डी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, विद रिस्पेक्ट टू कार टू, सॉरी। तो मुझे देखो, बिल्कुल यार ईशान, वो अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है ना, उसको लगे मैं रेस्ट पे हूँ। यार सोचो तुम इस कार में बैठे हो, तुम रेस्ट पे होगी नहीं हो, तुम्हें कुछ चल ही नहीं रहा, वो कार मेरी तरफ आ रही, कितना चल के आई? बोलो डी, बात खत्म। तो आप इसको नहीं चलाएंगे ना, ये कार वन है, ये कार टू है, समझ आएगा? तो हमें एब्सोल्यूट से मतलब नहीं है कि वो कितना चल के गई, वो कितना चल के गई, ये इसके रिस्पेक्ट में डी चल के आई, बस बात खत्म, ठीक है। अब ये बताओ इसका रिटार्डेशन कितना है? रियलिटी में बेटा दोनों मूव कर रही हैं, रियलिटी में नहीं कर रहे ना, हम इस कार में बैठकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसका बताओ रिटार्डेशन कितना है? इसका रिटार्डेशन कितना है अनुष्का? ए है ना इसका रिटार्डेशन, जो मुझे निकालना है ब्रेक मारने से। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, जब ये कार इसके पास पहुंचेगी, है ना, अगर ये कार यहां से चलते हुए इसके पास पहुंची है विद द सेम स्पीड, तो कोलिजन नहीं होगा, पता है आपको रुकने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आपको अगली कार से अपनी कार को लड़ाना नहीं है तो आप ये श्योर कर लो, क्या इंश्योर कर लो, कि जब आपकी कार उस कार के पास पहुंची है तो आपकी स्पीड उसके बराबर हो गई है, बस। समझ में बात, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको ब्रेक मार के खड़े हो जाना है, क्या इंश्योर करना है कि जब आपकी कार वहां तक पहुंची है तो आपकी स्पीड उसके इक्वल हो गई है, तो यू कैन अवॉइड कोलिजन, ठीक। तो आप बताओ जब आपकी स्पीड उसके इक्वल हो गई है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? रिलेटिव स्पीड जीरो हो गई ना, ठीक है। तो देखो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, लिख लो आप इसको, बिल्कुल बिल्कुल वेदान बेटा, अगर आपको कोलिजन अवॉइड करना है तो डोंट हैव टू स्टॉप, आपको उसके बराबर पहुंचना है, बात खत्म, बिल्कुल बिल्कुल अर्नो, ठीक है। तो लिखिए आप व्हेन, नहीं ऐसे लिखिए, टू जस्ट अवॉइड कोलिजन, टू जस्ट अवॉइड कोलिजन, स्पीड ऑफ कार वन, स्पीड ऑफ कार वन
शुड बी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू यू टू। बराबर मतलब चार्वी जस्ट बम्पर आपका टच कर गया, उसका आपका आपका बोनट उसका बम्पर टच कर गया, ठीक है, उसको बराबर आने की जरूरत नहीं है। और हम पॉइंट किधर ट्रीट करते हैं, देखो भाई फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। देखो बस एक लाइन का क्वेश्चन था, देखो ये बताओ जब कोलिजन अवॉइड होगा तो इसकी स्पीड इसके बराबर हो जाएगी, हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? तो इसको लगेगा कि भाई इस कार की स्पीड जीरो हो गई। शुरू में कितनी थी? शुरू में यू वन माइनस यू टू थी, माइनस टू ए डी, बस यहां से ए आ गया हमारा कितना, यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर अपॉन टू डी, बस ये आंसर आ गया हमारा जो हम पहले सॉल्व कर रहे थे। आपसे आंसर भी नहीं आता सॉल्व होके, भाई सब आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत से बच्चों को क्लिक कर गया होगा, सोच रहे हैं सर ने यार इतना लंबा क्यों खींच दिया, ठीक है इसमें इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बट हो सकता है कुछ ना समझ में आया, तो अभी भी लिखा हुआ है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कोई डाउट है तो। फिर धीरे धीरे इसमें प्रॉब्लम्स हम और करने वाले हैं, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन कहाँ सॉल्व हुआ है? इस कार में बैठ के, है ना यार, हैंड ब्रेक लगा दो, कुछ भी लगा दो भावे, है ना। बट मैंने रिलेटिव लिए, रियल नहीं लिए। आप ये बताओ जब ये कार यहां पहुंचेगी ना तो दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, तो मैं रियल ले ही नहीं रहा हूं, मैं कौन सी ले रहा हूं, मैं रिलेटिव ले रहा हूं ना, तो मैंने फाइनल स्पीड कितनी लिखी है? मैंने फाइनल स्पीड जीरो लिखी है ना। क्यों लिखी जीरो? क्योंकि भाई रिलेटिव की बात चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, इससे फाइनल स्पीड जीरो हो गई। शुरू में कितनी थी? यू वन माइनस यू टू, माइनस टू ए। अब डिस्टेंस भी देखो, मैंने कौन सी डिस्टेंस ली? मैंने पूरी नहीं ली यार, इस कार ने एक्चुअल में कितना ट्रेवल किया होगा बताओ यार, एक्चुअल में तो डी से ज्यादा ट्रेवल किया होगा ना, एक्चुअल की बात करें अगर, तो ये कार कुछ आगे चली गई होगी, ये कार पहले डी गई होगी फिर और चली होगी, बट मैं यहाँ पे डी मैं क्या ले रहा हूँ, बोलो, मैं सिर्फ रिलेटिव ले रहा हूँ, बिल्कुल हर लेट सब रिलेटिव लिया है, यस सही बोल रहे हो आप। आई गेस कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं घर पे सोचना, अभी मैं दो एक दो क्वेश्चन आपको और करा रहा हूँ, अगली क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, तो मैं बातें समझ में आती रहेंगी। चार भी क्लियर हो गया, देवांग क्लियर हो गया, गौरी सिंथिया क्लियर बेटा, आप लोगों को आगे बढ़े, ईशान ठीक है, ठीक है। तो भाई फाइनली मैं ये बोल रहा हूँ, ईशान अभी आपका मैसेज मिस कर गया, आप कुछ क्वेश्चंस कल वाले बात कर रहे थे, अभी अभी ईशान रुको, अगले टाइम पे डाउट्स ही होंगे, आप टेंशन मत लो। अर्णव आप भी डाउट्स का बोल रहे थे, ईशान भी शायद डाउट्स का बोल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम पे हम डाउट्स ही डिस्कस करेंगे पूरी क्लास में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं रिलेटिव लॉस की। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच क्या, मैं एक बार फिर बता दूं क्या करना है, किसी एक पे बैठ जाना है और दूसरे को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है ना, खुद को काम आ लेना है रेस्ट पे, फिर हम दूसरे को क्या देखेंगे, उसकी वेलोसिटी अपने रिस्पेक्ट में, उसका एक्सेलेशन अपने रिस्पेक्ट में, और उसका डिस्प्लेसमेंट अपने रिस्पेक्ट में। ग्राउंड से मुझे कोई मतलब नहीं है, ग्राउंड से क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा, डिफरेंट वेलोसिटी आएगी, डिफरेंट एक्सेलेशन आएगा और डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्लियर। तो देखो एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, देखें ये किसको किसको समझ में आती है। देखो एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, और एक बंदा यहाँ छत पे खड़ा है, दो बंदे हैं, ठीक है। इसने एक बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया, फेंक दिया नीचे, वॉट स्पीड विथ 10 मीटर पर सेकेंड, और इस बंदे ने भी बॉल को ऊपर फेंक दिया विथ वॉट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों की बॉल्स नॉट 10 स्टिक 40 लेते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, और उसने कितने से 10 से, ठीक है। कैसी मोशन है? एक्सेलेटेड मोशन होगी, इसकी भी कैसे होगी? एक्सेलेटेड होगी, यूनिफॉर्म आपके ऊपर जी लगेगा। दिस सेपरेशन इज 100, ठीक है। अब मुझे टाइम निकालना है, कैलकुलेट टाइम व्हेन बॉल्स कोलाइड।
हाफ डस इंगेज में होंगे। अब मैं बोला ना कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे रिलेटिव वेलोसिटी के, नहीं चार मिनट में रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करना। आप इस बॉल के ऊपर बैठ जाओ, यहाँ से बैठ कर सॉल्व करो। सोचो आप इस बॉल पे बैठे हो, ठीक है, या इस बॉल पे बैठे हो भाई, यही करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कभी हमें ट्रेन में बैठना पड़ेगा, कभी ड्राइवर बनना पड़ेगा, कभी कार में बैठना पड़ेगा, कभी फुटबॉल के ऊपर, कभी इंसेक्ट के ऊपर भी बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 40 से फेंक दिया, इसको 10 से फेंक दिया, ठीक है, ये सेपरेशन 100 है। कैलकुलेट टाइम व्हेन बॉल्स कोलाइड, कैलकुलेट टाइम व्हेन बॉल्स कोलाइड। सक्षम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल। चार भी इंसेक्ट पे भी बैठेगा, ह्यूमन बॉल पे बैठेगा, इंसेक्ट पे बैठेगा, हाथी घोड़े भी आएंगे अभी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, पहले बॉल का एक्सेलरेशन कितना है? प्रथम बेटा कुछ कुछ सही बोल रहे हो, दिस करंट बोलो, सारे बच्चे ध्यान दें। अच्छा आप सॉल्व मत करो, मेरी बात सुन लो पहले। वेरी गुड भावे, वेरी गुड, कुछ बच्चे भी कुछ सही आंसर दे रहे हैं मुझे। बस हाँ हाँ, 2 सेकंड है, कैसे क्या बताओ? हाँ 50 हो गई, सेपरेशन 100 हो गया, एक्सेलरेशन लेना नहीं है हमें। अब ये बताओ क्यों नहीं लेना एक्सेलरेशन, सोचो। देखो भाई क्वेश्चन बहुत इजी है, व्हाट इज रिलेटिव सेपरेशन बोलो, 100 है ना। अब सोचो आप यहाँ बैठे हो, जस्ट इमेजिन, तो आप अगर यहाँ बैठे हैं तो आपको लगेगा यार आप तो रेस्ट पे हो, क्यों? सारी डिस्टेंस कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? इसके पास है, है ना, आप रेस्ट पे हो ना। बताओ ये आपके रिस्पेक्ट में कितना चल के आएगा? 100। आप यहाँ बैठे हैं, आपको लगेगा आप रेस्ट पे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? इसके पास है, तो आपके रिस्पेक्ट में 100 चलेगा। तो दिस सेपरेशन इज 100। आपकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी कितनी है? तो वो स्पीड कितनी हुई, रिलेटिव स्पीड बोलो मुझे कितनी है। आपको लगेगा कि आप कहाँ हैं, आप रेस्ट पे हैं, कौन चल रहा है? सिर्फ ये चल रहा है विद व्हाट स्पीड? 50। एक्सेलरेशन का खेल ही खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया बताओ? चलो बताओ हम एक्सेलरेशन क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पे बेटा? एक्सेलरेशन दोनों पे ग्रेविटी लग रही नीचे, इस पे कितनी बताओ ग्रेविटी, उस पे भी ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की ग्रेविटी कितनी होगी बताओ? 0 हो गई ना, है ना। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज, चलो मैं इसको बोलता हूँ दिस इज बॉल 1, मैं बिल्कुल कैंसिल आउट कर देंगे, अर्नो मैं वही समझा रहा हूँ, दिस इज बॉल 2, है ना। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बॉल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, बॉल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना होगा बोलो यार? हमें हमने भी पढ़ा है ना, क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं ना, इस पे भी जी लग रहा है, इस पे भी क्या लग रहा है? जी लग रहा है, तो ये 0 आ गया ना। तो मोशन कैसी हो गई? यूनिफॉर्म मोशन हो गई, पता है। ग्राउंड से कैसी मोशन है? ग्राउंड से देखोगे ये भी एक्सेलेटेड, ये भी एक्सेलेटेड, तो यहाँ ut प्लस हाफ फिट स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी ut प्लस हाफ फिट स्क्वायर लगेगा, उससे सॉल्व होगा। लेकिन अगर मैं इस बॉल पे बैठ गया तो मैंने अपना एक्सेलेरेशन, इसके एक्सेलेरेशन दोनों कैंसिल कर दिए, खत्म। तो बताओ टाइम कितना हो गया बताओ? बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आ गया? 100/50, ये 2 आ गया। सगेरा तो मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म। कहाँ से? एक बॉल के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉल की मोशन कैसी हुई? यूनिफॉर्म। ये हमेशा याद रखना, जब भी बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलेरेशन कितना होता है? 0। और सो ग्राउंड से करेंगे तो, समझ गए? तो इसका मतलब अगर हमें कहीं कोलिजन की प्रॉब्लम्स करनी है हवा में, हवा में दो बॉल्स आपस में अगर नहीं कोलाइड कर रही हैं, तो उस क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट इन यूनिफॉर्म मोशन प्रॉब्लम। नहीं बेटा दोनों का एक्सेलेरेशन नीचे ही ना, अब गुरबानी चारवी किसने मुझसे पूछा, मैं देख मिस कर गया कि वेक्टर के हिसाब से सर एक्सेलेरेशन डिफरेंट तो नहीं होगा? बेटा ग्रेविटी दोनों पे नीचे लग रही है, पहले भी ग्रेविटी नीचे, दूसरे भी ग्रेविटी नीचे है, तो दोनों पे अगर सेम डायरेक्शन में
सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी, समझ गए। अब आज के बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कभी भी दो बॉल्स हवा में उड़ रही हैं और एक दूसरे से लड़ रही हैं तो उस क्वेश्चन को हम कहाँ से कर सकते हैं, मतलब कोलाइट कर रही हैं, कहाँ सॉल्व कर सकते हैं, ग्राउंड से भी कर सकते हैं और एक बॉल पे बैठ के हवा में उड़ के दूसरी बॉल को देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बॉल पे बैठ के सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इजियर टू सॉल्व, क्यों, बिकॉज मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, ग्राउंड से यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, ठीक है। तुम्हारा तो लेट हो रहा है तो तुम लोग निकलो। अच्छा एक क्वेश्चन कराते हैं फिर जाओ, आती है लिफ्ट प्रॉब्लम। अच्छा चार बजे टाइम देखो, शाम को घूमो फिर कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट लेट नाइट लेंगे, लेके आप लिफ्ट प्रॉब्लम भाई ढंग से समझना, ठीक है। आज जितनी प्रॉब्लम्स कराई हैं आपको दो चार है ना, इनको बहुत ढंग से करना है। समझते हैं देखो, ये एक लिफ्ट है, ठीक, और यहां पे लिफ्ट जा रही ऊपर विद एक्सेशन ए, ठीक है, लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेशन से, और यहां पे एक नट बोल्ट, यहां से एक बोल्ट ओपन हो गया, ठीक है, फ्रॉम टॉप। बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है यार, बहुत चीजें मिलेगी आपको, बिल्कुल आपको रटी होनी चाहिए प्रॉब्लम, बोल्ट प्रॉब्लम। तो मैं आपको बोलूंगा लिफ्ट प्रॉब्लम या बोल्ट प्रॉब्लम, ठीक है, एंड दिस हाइट इज एच, और लिफ्ट ऊपर भागती जा रही है। चलो अच्छा, पहले लिफ्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना, लेट्स टेक कि लिफ्ट इज एट रेस्ट, केस वन, लेट्स टेक केस वन, लिफ्ट इज एट रेस्ट when it starts moving in the upward direction, when, लिख लेना, when it starts moving in the upward direction, in the upward direction with acceleration a, with acceleration a bolt falls फ्रॉम टॉप, यहां से एक बोल्ट गिर गया, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स फ्लोर, व्हेन इट स्ट्राइक्स द फ्लोर, जब ये फ्लोर को स्ट्राइक करेगा टाइम बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है कि जैसे लिफ्ट ऊपर चलना शुरू करती है यहां से एक बोल्ट ओपन हो जाता है, चलना शुरू किया उसने जैसे ही, ये क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे, एक में लिफ्ट चल रही होगी अभी बस चलना शुरू किया। ईशान बेटा बिल्कुल पिछला थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा बस है ना, पिछले वाले जैसा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बट दिस टाइम दिस लिफ्ट हैज एक्सेलरेशन, ईशान बेटा क्वेश्चन वही है ऑलमोस्ट, यू गॉट इट राइट, ठीक है, बट थोड़ा सा स्लाइट चेंज है। तो कितने टाइम के बाद ये बोल्ट यहां पे गिरेगा, ठीक है। चलो अच्छा मैं करा देता हूं, अभी टाइम कम है, मैं आपको भी मौका नहीं दूंगा सॉल्व करने का, कोई इन बिटवीन आंसर देगा तो इज मोस्ट वेलकम, बाकी मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो अब सोचो कि मैं यहां पे खड़ा हूं, देखो भाई अब आप देख लो भाई, बाद में लिखना आप लोग, ठीक है। अब बिल्कुल यहां पे कंसेंट करिए कि मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मैं यहां पे खड़ा हूं, इस बोल्ट को देख रहा हूं, ठीक है। तो ये बताओ जब बोल्ट नीचे गिरेगा डिस्टेंस कवर करनी है इसको h है ना, तो बोल्ट का एक्सेशन कितना होगा मुझे बताओ, कौन बताएगा एक्सेशन ऑफ बोल्ट भाई, अगर बोल्ट हवा में निकल गया g होगा बेटा, g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट पूछ रहा हूं, अभी सारी बातें आपसे करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं मैं ग्राउंड से पूछ रहा हूं, एक्सेलेरेशन ऑफ बोल्ट कितना होगा जब भी कुछ हवा में चल रहा होता गिर रहा होता, उसका एक्सेलेरेशन कितना होता है, जी एन डाउनवर्ड एक्शन। सबको क्लियर ना बात,
ठीक है, अब मुझे बता दो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल्ट को देख रहा हूँ, मैं खुद ऊपर जा रहा हूँ एक सेशन से क्योंकि लिफ्ट ऊपर से जा रही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा? जो बंदा यहाँ खड़ा है वो बोल्ट। देवांग ने बिल्कुल सही आंसर दिया। यस नहीं बेटा, अर्नोनी, ईशान ने बिल्कुल सही आंसर दिया, प्रथम ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सक्षम नहीं। जब दो बॉडीज आमने सामने आती हैं तो उनकी वेलोसिटी ऐड हो जाती है, उनके एक्सेलरेशन ऐड हो जाते हैं, नॉट सब्ट्रैक्टेड। जब दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती हैं। नहीं हो जाएगा बेटा, ये जी से नहीं जा रहा ना, मैंने बोला ना लिफ्ट ए से जा रही है, आपने क्वेश्चन नोट नहीं किया। चलो सक्षम बेटा, लिफ्ट ऊपर जा रही है ए से, बोल्ड नीचे आ रहा है जी से, करंट कितना हो जाएगा? ए प्लस जी हो जाएगा। तो कुछ बच्चे मुझे जी माइनस ए बोल रहे थे, कुछ जीरो बोल रहे थे, इट विल बी जी प्लस ए, लिफ्ट ऊपर ए बोल्ड नीचे जी, रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी जी प्लस ए। ठीक है, तो दिस विल बी जी प्लस ए। कौन देख रहा है, किसको देख रहा है? अब चाहे तो मैं बोल्ड पे बैठ के इस बंदे को देख लूं या इस बंदे को बोल्ड को दिखा दूं, ये थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है कि ये बंदा बोल्ड को देख रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ जब ये बोल्ड यहां पे गिरेगा, व्हेन बोल्ड स्ट्राइक्स फ्लोर, व्हेन बोल्ड स्ट्राइक्स एट फ्लोर, तो व्हाट विल बी रिलेटिव सेपरेशन, मतलब वो कितना ट्रेवल करके आएगा, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट। सारे बच्चों को जान सो देंगे, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, बोलो भाई। चलो यश ने सही आंसर दिया है। देखो वैसे एक्चुअल क्या हो रहा है, बिल्कुल सही, प्रथम ने भी सही आंसर दिया, सिंथिया ने सही आंसर दिया, एलिजा ने, सबने सही आंसर दिया, आई गेस सभी को समझ में आ गया है। चलो मैं बताता हूँ, बोल्ट कुछ नीचे चलेगा, लिफ्ट कुछ ऊपर चलेगी, दोनों मिलके एच कवर करेंगे, है ना। लेकिन जब इसको लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ, भाई ये क्या सोचेगा कि भाई मैं क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा है, चार्वी ने भी सही आंसर दिया है, तो भाई ये बंदा यहाँ खड़ा है, इसको लग रहा है मैं रेस्ट पे हूँ, सारी डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, बोल्ट कवर कर रहा है। क्या लिखा हुआ है, व्हेन बोल्ट स्ट्राइक्स एट फ्लोर व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, मतलब इस बंदे को क्या नजर आएगा, बोल्ट कितना चल के आया है, इसको लगा मैं चला ही नहीं यार, मैं तो रेस्ट कर रहा हूं, कौन चल के आया, बोल्ट, तो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी एच, बिल्कुल। अच्छा और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी बताओ, ये जीरो से गिरा था, ये भी जीरो से था। अब कुछ नहीं करना, आपको पता क्या करना है, आपको सिंपली अगर आपको टाइम निकालना है तो इस बंदे को लगेगा यार मैं रेस्ट पे हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सारी कहानी किसकी चल रही है, बोर्ड की चल रही है, उसी को चल के आना है मेरे पास, कितना चल के आना है, एच, उसकी वेलोसिटी शुरू में जीरो थी, एंड प्लस हाफ जी प्लस ए टी स्क्वायर, दिस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, तो टाइम विल बी अंडर रूट टू एच बाय जी प्लस ए, दिस विल बी टाइम। आई बात समझ में? तो ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चंस करते हैं कि उसमें एक बंदे को रेस्ट पे मान लेते हैं, ये रेस्ट पे हो गया और सारी कहानी कौन ट्रेवल कर रहा है, वो बोल्ट चल रहा है, सब कुछ जो भी चलना है उसको। ठीक है, अब अगर मैं इसको ग्राउंड से करता ना, अगर इसको ग्राउंड से करता तो बड़ी लंबी कहानी चलती, पहले इसको चलाता मैं, देखो ग्राउंड से क्या अप्रोच होती पता है, थोड़ा लिफ्ट चली, थोड़ा बोल्ट चला, और दोनों ने मिलकर किसको कवर किया, एच। तो पहले मैं इसकी इक्वेशन लिखता यू टी माइनस हाफ क्यू टी स्क्वायर, फिर मैं उसकी इक्वेशन लिखता, बिल्कुल बेटा। मुझे मैसेज ड्रॉप करो, मैं आपको कॉल बैक करूंगा, मेरा भी फिर बैच है इसके बाद, ठीक है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप करो व्हाट्सएप पे, है ना, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसका पार्ट टू,
अभी कर देना, 11 बजे के आसपास मैसेज कर देना, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। अच्छा इसमें बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूँ क्वेश्चन, एक पार्ट देख लो इसका, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ठीक है अभी इसमें मैं इसका पार्ट टू लिखिए, कैलकुलेट टाइम, हाँ इसी में पार्ट टू लिखिए, कैलकुलेट टाइम इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज यू। चलो भाई अब बताना मुझे आप कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है यू स्पीड से ऊपर जा रही है और फिर बोर्ड गिरता है तो क्या होगा। अभी क्या सीन था बताओ, अभी सीन ये था कि जैसे लिफ्ट ने चलना शुरू किया, स्टार्ट किया, वैसे बोर्ड गिर गया, है ना, तो यू तो हमारा इक्वेशन में आया ही नहीं। अभी क्या, अभी लिफ्ट जा रही है ऊपर, लिफ्ट ऊपर जा रही है और लिफ्ट जाते जाते अचानक से बोर्ड गिर जाता है, और जब ये लिफ्ट जा रही थी उस टाइम इसकी स्पीड यू थी, ठीक है। तो अब बताओ हमारी इक्वेशन क्या थी, सब कुछ तो सेम रहेगा, क्या बनेगा, एच बनेगा, बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम। यहां पे आपको बताना क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई ना हमारी सेम। पहले केस में यू जीरो था बोर्ड के पास क्योंकि लिफ्ट ने जस्ट शुरुआत की थी। अभी बताओ यहां पे कितना आएगा, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी पुट करनी मुझे, सब कुछ रिलेटिव होगा, सब कुछ रिलेटिव होगा, कुछ भी आप मिक्सअप नहीं करोगे। प्रथम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वॉट विल बी स्पीड, देवांग बोलो बेटा क्या आएगा, गुरबानी थोड़ा और सोचो, हाँ यस बेटा बोर्ड गिरा है ऐसे, किससे, लिफ्ट से, और लिफ्ट ऊपर आती यू स्पीड से, नहीं बेटा सिंथिया थोड़ा आपने, सिंधिया बेटा आपको लिफ्ट से सोच के आंसर देना, नहीं यश आपको लिफ्ट में खड़े होकर आंसर देना ना, आप बाहर मत खड़े हो क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप यहाँ खड़े हो। अच्छा जल्दी करो, ओनली 2.5 मिनट है लेफ्ट, ठीक है भाई, जीरो आएगा, जीरो क्यों जीरो आएगा बताओ। अब जिसको नहीं समझ आएगा मुझसे कल पूछेगा, मीटिंग इज अबाउट टू एंड, ठीक है। लिफ्ट की सुन लेना पहले, लिफ्ट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ यू है, सबने सुना, जब बोल्ट गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ यू होगी। कैसे, जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी को ड्रॉप करते हैं, अगर किसी को बात नहीं पता तो नोट कर लो, जैसे बलून की प्रॉब्लम करते थे कि जब बलून से किसी को ड्रॉप करते थे तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती थी भाई, उसको बलून की वेलोसिटी मिल जाती थी, उसको बलून की वेलोसिटी मिल जाती थी, याद आ गया ना इस क्वेश्चन के थे। तो जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो लिफ्ट की वेलोसिटी यू है, बोर्ड को भी वही वेलोसिटी मिल जाएगी ऊपर की तरफ, और लिफ्ट की भी यू ऊपर की तरफ है, व्हाट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी, जीरो। आप खड़े हो, आपकी वेलोसिटी कितनी, यू है ऊपर की तरफ, जब बोल्ट गिरेगा तो नीचे नहीं गिरेगा भाई, एक्चुअली बोल्ट ऊपर जाएगा साथ में, समझे, और मुझे लगेगा नीचे गिर रहा है, इस पर हम कल डिस्कस करेंगे, मुझे ऐसा लगेगा कि बोल्ट नीचे गिर रहा है, लेकिन जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको पता क्या दिखेगा, पहले बोल्ट ऊपर गया फिर बोल्ट नीचे आया ऐसे, ठीक है। तो यहां पे जीरो आएगा, सोच लेना, लिफ्ट की वेलोसिटी यू, मैन की वेलोसिटी यू, और बोल्ट की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ यू होगी, क्योंकि जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी को ड्रॉप करते हैं आंसर विल बी सेम। भावे बेटा बिल्कुल आंसर सेम आएगा, मैंने पहले बोल दिया था आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो कभी भी आपको लिफ्ट का क्वेश्चन दिखता है बोल्ट गिरता है तो समझ जाना इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ हमें सोचना ही नहीं है। चलो ठीक है ईशान बेटा, क्लास इज ओवर, कल टेस्ट होगा रात में।